जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय मेरा रोम रोम हर शाह। पाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। अंधकार में मैं तो पड़ी हुई, अंधकार में मैं तो पड़ी हुई, सतगुरु ने दीप जलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने दीप जलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मोह माया में मैं तो फंसी हुई, मोह माया में मैं तो फंसी हुई, सतगुरु ने फंद छुड़ाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने फंद छुड़ाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरे अंदर 10वां द्वार है, मेरे अंदर 10वां द्वार है, सतगुरु ने खोल दिखाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। सतगुरु ने खोल दिखाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया देखो प्रेमियों, बराबर ध्यान भजन करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार है, असली चीज यही है, बाकी तो सब ठोठा है। ठोठा किसको कहते हैं? ठोठा दे उड़ाए। आप अनाज बनाती हो, ठीक करती हो, तो उसको फटकती हो ऐसे, तो जो अच्छा अनाज होता है वो तो आगे की तरफ उसमें रुक जाता है सूखने, और जो ढोल गागर ऐसी चीजें होती हैं, काम की नहीं होती हैं, वो आगे की तरफ उधर निकल जाता है और आप निकाल देती हो। ऐसे ही जो काम आने वाली चीज नहीं है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अब रहना तो इसी दुनिया संसार में है, लेकिन इसमें फंसना नहीं चाहिए। आप लोग फंस जाते हो। हमने छोड़ो कहते हैं, घर छोड़ दो, कोई भी ये नहीं कहा घर छोड़ो। जमीन जायदाद छोड़ने के लिए किसी भी महात्मा संत ने नहीं कहा जो पूरे रहे। सभी लोगों ने कहा कि रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन उसमें फंसो नहीं। देखो, एक कटोरे में शहद रख दो तो एक मक्खी होती है, आती है और कटोरे को ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। उसने तो अपना पेट भर लिया, निकल गई। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद जाती है शहद को देख करके, और खूब शहद खाती है, लेकिन उसके पंखों से में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो फंसो नहीं, ऐसा गृहस्थी सेट करो कि उसमें रहते हुए भी न रहो, कोई काम रुके नहीं, ऐसा सेट करो। बहुत समय रहता है। देखो प्रेमी कुछ ऐसे हैं कि जो गृहस्थी का भी काम करते हैं, सेट कर लेते हैं, और सत्संगों में भी चले जाते हैं, सत्संग भी सुन आते हैं, सेवा भी कर लेते हैं और भजन भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिन रात उसी में लगे रहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं, और जैसे वो मक्खी का पंख फंस गया ऐसे ही फंस जाते हैं। वो कहते हैं गृहस्थी हमको नहीं छोड़ रही, और वो गृहस्थी को नहीं छोड़ रहे हैं। गृहस्थी यानी समझो पकड़ती नहीं है, पकड़ता है आदमी गृहस्थी को। देखो, कोई अस्पताल में भर्ती हो गया, रिश्तेदारी में चला गया, कोई काम रुकता है? कुछ नहीं रुकता है, सब काम होता चला जाता है। दुनिया से चला गया आदमी तो भी काम चलता रहता है, लेकिन जो ये सोचता मेरे बगैर नहीं चलेगा, वही उसमें फंस जाता है, वही फंसता है। तो आपको समझने की जरूरत है। खाने का भी इंतजाम कर लो, कपड़े का भी कर लो, बाल बच्चों को भी देख लो। जो एक दूसरे का फर्ज है सेवा करने का परिवार में, वो भी कर लो, आए गए का स्वागत सत्कार भी कर लो, लेकिन इसमें फंसो नहीं। समय निकाल लिया करो। 24 घंटा में आप ये समझो कि हर कोई व्यस्त नहीं रहता है, बहुत सा समय निकलता है जो जरूरी काम से अलग होता है। तो वो समय जो निकालते हो अन्य कामों के लिए, उसको भजन में लगाओ, ध्यान में लगाओ, सेवा में लगाओ। सेवा जब करोगे तब ये मन थोड़ा स्थिर पड़ेगा, तब इसमें रुकावट आएगी, और नहीं तो मन ये बहुत भटकता है। और मन की कुछ ऐसी आदत है कि जो ये चाहता है वही कराता है। देखो, ये जीवात्मा परमात्मा के अंश है, अंश माने टुकड़ा, और जिसका देश में आप रहते हो इनको काल भगवान कहा जाता है, जिन्होंने शरीर को बनाया। शरीर को चलाने के लिए दुनिया की चीजों को बनाया, पशु पक्षी भी बनाए, ये नदी नाले भी बनाए। किसके लिए बनाए? मनुष्य के लिए बनाए। तो जिन्होंने बनाया है मन उनका अंश है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि ये मृत लोक के जीव अपने घर जाने पावें, अपने लोक जाने पावें, तो वो बाधा डालते रहते हैं। देखो, जिसकी अंश जीवात्मा है वो इनके भी वस्तार निकले। सारा मसाला तो इनके मांगने पर दे दिया, लेकिन जीवात्मा जिससे डाली जाती है, जिस रास्ते से, सुराग से, उसको बंद करने का मसाला इनके पास नहीं रहा। आँख, कान, हाथ, पैर सब बना दिया है। अब आप ये समझो कि कुछ कसर नहीं रखा है, लेकिन वो जिस रास्ते से जीवात्मा डाली जाती है उसको बंद करने का नहीं रहा रास्ता, वो तो खुला ही रहता है। जिस रास्ते से डाली गई उसी रास्ते से निकलती है। तो मन को तो इन्होंने बनाया और मन को रोकने के लिए बनाया, लेकिन मन की जो चाल है, जो चलायमान है, वो अरे समझो कि उसके उनके लिए धोखा दे गया। कैसे? जैसे कोई चीज एक जगह पर रुक जाए, जाम हो जाए, तो आगे नहीं बढ़ सकती है, और अगर वो चीज आगे बढ़ती है, जाम नहीं होती है, तो बढ़ सकती है। वो बढ़ सकती है, कहीं भी किसी भी तरफ बढ़ जाए। जैसे कोई जानवर है, गाय बैल हैं, एक जगह से दूसरी जगह किधर भी उनको ले जाओ, कहाँ भी ले जाओ, लेकिन ये जो पेड़ है, जड़ है, तो पत्थर पड़ा हुआ है, आप ये समझो जो जड़ है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तो ये मन जो चलायमान है उससे काम ले लिया जाता है। ये जिधर लगा रहता है उधर से हटा करके और इधर लगा दिया जाता है, और अगर नहीं लगाया जाता है तो बार बार ये धोखा देता है। अच्छे अच्छे लोग देखो इसमें फंस गए। आप देखो संगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। अच्छे अच्छे लोग फंस गए, मन के चक्कर में आ गए। देखो मन ने धोखा दे दिया। नैमी ऋषि को जब हलवा खिलाया अप्सरा ने, तो मन उनका उसी हलवा में ही लग गया, और दूसरे दिन फिर उसी समय पर आँख खोल दिया हलवा खाने के चक्कर में। आप ये समझो कि प्रेमियों, ये जो मन है ये गेंडे की तरह उछलता है। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन बस में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, हसू ना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु, समृद्ध गुरु मिल जाते हैं, तब वो उपाय निकाल दिया करते हैं। इच्छा होनी चाहिए समृद्ध गुरु की खोज करने की, और समृद्ध गुरु पर शंका नहीं होनी चाहिए, आदेश का पालन होना चाहिए। जब आदेश का पालन करता है आदमी, और शंका भी निकलती है, और मन की गति भी रुकती है, और नहीं तो मन जो चाहता वही कराता है। मुसलमानों में भी अच्छे अच्छे फकीर हुए हैं, जिसको आप साधक कहते हो, जिसको लोग योगी कहते हैं, योग करते हैं, ऐसे उनके यहाँ भी हुए हैं। चीज सब ये कही है, तरीका अपनी अपनी जगह के हिसाब से आनी बन गया है। जैसे तीज त्यौहार है, अब कई पूजा दूसरे ढंग से लोग करते हैं, दीपावली की, होली को दूसरे तरीके से मनाते हैं, इसी तरह से यानी है। तो वो एक ही त्यौहार, लेकिन अलग अलग उनका मनाने का तरीका है। तो फकीर हुए, तो उसमें एक जो है शेख फरीद थे, तो थोड़ा बहुत इल्म उनको मिल गया था, संस्कार उनका था, साधना करते थे, योग करते थे, थोड़ी सिद्धि मिल गई थी। लेकिन जब सिद्धि मिली तो उनको ये जानकारी हुई कि भाई आगे भी कोई चीज़ है, यही सिद्धि ही नहीं है, यही चीज़ नहीं है, आगे भी कोई चीज़ है, तो उसको पाना चाहिए। उसकी इच्छा उनके अंदर जगी, तो पता लगाया ये समय मुर्शिद कौन है जो इल्म दे दे और हमको खुदा का दीदार हो जाए, हम और परियों का दीदार करने लग जाएं, 14 तपक का सैर करने लग जाएं। वो उपाय युक्ति इल्म देने वाला कौन है? तो पता चला कि राजस्थान में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। चल पड़े, पहुंचे उनके दरगाह पर, देखा कि एक सूखे पेड़ का सहारा लिए हुए बैठे हुए हैं। तो इन्होंने सोचा कि मुर्शिद हैं ये, लेकिन ये सूखे पेड़ के ओट में क्यों बैठे हुए, तो लाओ इसको हम हरा कर दें। तो वही जिसको योग विद्या कहते हैं, उसको रूहानी ताकत कहते हैं, जो थोड़ी बहुत उनके अंदर में थी, उसी के जरिए उन्होंने उसको हरा कर दिया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने देखा, कहा है? इसने हरा कर दिया। फिर उन्होंने पेड़ को देखा, फिर सूखवा दिया, फिर सूख गया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अब इनको मौज समझनी चाहिए, लेकिन मौज नहीं समझ पाए। इन्होंने फिर उसको सूखवा दिया, जब सूख गया तब फिर चिश्ती साहब ने उसको आने समझो हरा कर दिया। जब हरा हो गया तब उन्होंने ये कहा कि अरे तू इल्म लेने आया है, तू मेरे पास आया है जिस दौलत को लेने के लिए, जिसको पाने के लिए, तो तू यहाँ करतब दिखा रहा है, तो कुदरत क्या जो कानून है उसको तोड़ रहा है। कुदरत का यह नियम है कि जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो तू ये क्या कर रहा है? यह भी कभी हरा था, लेकिन यह सूख रहा है, अब इसका समय खत्म हो रहा है और यह गिरने वाला है, और तू फिर उसको हरा कर दिया। तो कुदरत के कानून को तोड़ता है। तो भी उनके अंदर छोटापन नहीं आया। छोटापन अगर आ जाता तो फिर वो अपना लेते, तो कहते ना, संत न देखन चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। वो फकीर थे, अंतर का हाल देख लिया और कहा कि दीनता अभी नहीं आई, छोटापन अभी नहीं आया, गलती इसने नहीं स्वीकारा। तब कहा, देख तेरे लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, लेकिन तेरी इच्छा है उस इल्म को पाने के लिए, तो तू चला जा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास, जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके नाम से इस समय पास कुतुब मीनार बना हुआ है, उनके पास गया। तो वो कम उम्र के थे, लेकिन साधना करते थे, यही जो हम आप करते हैं, यही साधना करते थे। वो रूहानी इबादत करते थे। एक होती है जिस्मानी इबादत, ख्वाहिशों की इबादत, और एक होती है रूहानी इबादत। रूह को निजात दिलाने का काम करते थे। तो उनके अंदर वो ताकत आ गई थी। वो क्या कर रहे थे? वो लड़कों के बीच में खेल रहे थे। तो जब ये पहुंचे, शेख फरीद पहुंचे, तो देखा, अरे इनके पास भेज दिया, ये हमारे क्या मुर्शिद बनेंगे, ये कम उम्र में, और ये बच्चों के साथ बैठकर खेल रहे हैं, तो ये क्या हमारे बनेंगे, मुर्शिद बनवाने के लायक नहीं है। तो उन्होंने देखा, कहा जो तो ठीक है, अच्छा है, और आया है ये, एक तरफ से मेरे पास आया है, तो इसको अपना लेना चाहिए। तो कहा कि भाई, सोचा उन्होंने कि जब तक इसकी शंका का समाधान नहीं होगा, तब तक इसका मन ऐसा उथल पुथल करता रहेगा। मन मरेगा नहीं इसका, इसको इल्म मिल भी जाएगा, नामदान मिल भी जाएगा, नाम मिल भी जाएगा, तो भी इसको विश्वास नहीं होगा। इसलिए वो चले गए बच्चों के बीच से। कहाँ चले गए? कोठरी में। और सफेद दाढ़ी, लंबी सी सफेद दाढ़ी और बुजुर्ग जैसा चाल में ऐसे आए सामने, बोले देख अब तेरे काबिल बना मैं, अब तुझको देने लायक कुछ हुआ। तब उन्होंने घुटना टेक दिया, कहा कि अब मेरा मन संतुष्ट हो गया, अब आप हमको अपना लीजिए। तो यह मन बड़ा उठा पट के करता है, ये मरता किससे है, कमजोर किससे पड़ता है। यह जो कामी मन, क्रोधी मन, लोभी मन, लालची मन, ये जब शब्दों की मार पड़ती है, शब्द की चोट इस पर जब पड़ती है, जो नाम आप जपते हैं, हम जपते हैं, और वो शब्द जब सुनाई पड़ता है, तब यह मन ढीला पड़ जाता है। इसलिए मन को मारने के लिए अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। अभ्यास में कमी प्रेमियों मत रखो। अब यह जरूर है कि आज आपने सुना होगा कि बाबा आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ गए हो। इतने लोग सत्संग में, ध्यान भजन में नहीं आते होंगे, आस पास के तो आते होंगे, लेकिन थोड़ा आप दूर के भी आ गए हो। तो घर पर ही किया करो, और हफ्ते में एक दिन इकट्ठा हो जाया करो। हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होने से, मिलने मिलाने से क्या होता है, गुरु भक्ति बढ़ती है। प्रेमी से प्रेमी मिलें, गुरु भक्ति दृढ़ होए। देखो गुरु की जरूरत सब जगह रहती है। गुरु की जरूरत चाहे समाज में रहने के लिए हो, चाहे खाने पीने के लिए हो, चाहे धंधा व्यापार करने को हो, खेती में हो, हर जगह गुरु ही सिखाते हैं सब चीज। तो गुरु की जरूरत हमेशा रहती है। तो आप ये समझो कि गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है, गुरु जैसा बतावें वैसा करना पड़ता है। मास्टर बतावें पाठ पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए, बच्चा न करे तो कैसे पढ़ पाएगा। ऐसे ही आदेश का जो पालन होता है वो गुरु भक्ति होती है। तो गुरु भक्ति जरूरी होती है। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते सो प्राणी तू मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु खींचने में मदद करते हैं सूरज के, नहीं तो आदमी के बस का इस वक्त कलयुग में है ही नहीं, इस मलिन युग में यानी ये काम है ही नहीं। लेकिन अगर ये गुरु भक्ति आ जाए, गुरु के आदेश का पालन अगर करने लग जाए, तो बुरा भला जो गुरु भगत खबहूं नरक न जाए, सोना काई ना लगे लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कब हूँ नरक न जाए, सोने में काई लग जाए, सोने में गोबर मिट्टी लग जाए, लेकिन उसको साफ कर दो, ऐसे पोछ दो तो वो साफ हो जाता है। कुछ कोई गंदी चीज लग जाए, लेकिन अगर जंग लग जाता है लोहा में तो वो जल्दी नहीं छूटता है। सोना के ऊपर कोई हल्की फुल्की चीज लग भी गई तो सोना का उससे कोई नुकसान नहीं होता है, उसको धो दो साफ हो जाएगा। तो काई का मतलब है कि जो चीज नुकसान करे, आप समझो प्रेमियों कि उसको काई कहते हैं। तो वो जहाँ लगती है उसको एक तरह से खासी जाती है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसको छुड़ाने में कुछ न कुछ लोहा निकल ही जाता है उसमें से। तो कहा सोना लाए काई ना लगाए लोहा घुन न खाए, लोहा को घुन ये जो कीड़े होते हैं जो अनाज में लग जाते हैं, गेहूं में लग जाते हैं, अंदर अंदर का सब माल खा जाते हैं। बाहर से देखने में गेहूं ठीक लगता है, लेकिन अंदर का माल सब खा जाते हैं। जैसे चूहे होते हैं, अंदर अंदर जमीन को काट देते हैं, और फिर जब आप समझो मिट्टी बाहर निकलती है तब पता चलता है कि चूहे लग गए। तो इसी तरह से कहा कि लोहा घुन नहीं खाए, और बोला बुरा भला जो गुरु भगत कबहूं नरक न जाए। अगर गुरु भक्त है तो समझो कभी भी नरक नहीं जाता है, नरक से रक्षा गुरु करते ही करते हैं। लेकिन आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु महाराज ने देखो बताया हमको आपको कि बराबर 24 घंटे में से थोड़ा समय ध्यान भजन के लिए निकाल लिया करो, और ना मन लगे उसमें तो उसका भी उपाय बता दिया कि प्रार्थना करो, और भी बताया कि प्रेमियों से मिलो, प्रचार करो, कर्मों को काटो। समझे आप? तो यह सब काम यानी जो आदेश हुआ है, आदेश होता है, उसको करने से यानी भजन ध्यान सुमरन में मन लगने लगता है और तरक्की हो जाती है। देखो प्रेमियों, ये जो यानी समझो त्रयोदशी आपकी 8 तारीख को आ रही है, उसके 3 दिन के बाद यानी समझो उसके यानी अमावस्या आएगा, उसके बाद में फिर द्वितीय आएगी, समझ लो 12-13 तारीख में पढ़नी चाहिए। तो ये जो इस सप्ताह का यह समय है, यह आपके लिए प्रचार के लिए बहुत अच्छा समय है। ये मुहूर्त होता है, हर काम का मुहूर्त होता है, और मुहूर्त से जो काम होता है उसमें कामयाबी मिलती है। ये मुहूर्त और ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए मुहूर्त का असर होता है। देखो जो आप पुराने आदमी हो, इसमें गुरु महाराज के जो शिष्य हो, गुरु महाराज भी मुहूर्त से सब काम करते थे, और एक समय बताते थे कि दिन में 1:10 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा, और पूरे देश में उसी समय पर कार्यक्रम, कोई भी एक अभियान होता था तो उसको चालू किया जाता था। इसी तरह से ये पूरे देश विदेश के लोगों के लिए ये जो ये सप्ताह आ रहा है, ये हफ्ता आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप थोड़ा मेहनत करोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपका ज़्यादा महत्व बढ़ेगा, आपकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हो, या जो लोग भी आप कहीं भी किसी प्रदेश में सुन रहे हो, या सुनो ये खबर आपको लोग बताएं, तो आप अपनी योजना बना लो, कैसे भी करो, कैसे भी समझाओ। इस समय जिनको समझाओगे उनके समझ में जल्दी आएगा, और जल्दी उनके अंदर बदलाव होगा। बदलाव लाना भी ज़रूरी है, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधजन कोई जो सबसे लौ लगाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।